गुलबर्गा शहर की सियासत में इस बार एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। इस बार शहर की आवाम किसी पॉलिटिकल पार्टी की मोहताज नहीं रही। ना कांग्रेस, ना जेडीएस, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी। लोग इस बार मजबूत क़यादत की तलाश में हैं। 2018 में जो लोग कनिज फातिमा को मुत्तहिदा फैसले के मातहत वोट कर एमएलए बनाए थे, आज वही बुजुर्ग नौजवान बीजेपी की साजिशों पर गौर कर एक मजबूत क़यादत की फिक्र लेकर नासिर हुसैन उस्ताद को जिताने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 22 मोमिनपुरा इलाके की हैं। इस इलाके में कई नौजवान बुजुर्ग सियासी फिक्र लेकर मशवरती इजलास मुनक्किद किए थे। इस इजलास में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो खमरुल इस्लाम के अलावा मोहम्मद अली साहब की क़यादत को भी काफ़ी करीब से देख चुके हैं। मोमिनपुरा इलाका हमेशा से कांग्रेस पार्टी का घर माना गया है, लेकिन इस बार मुस्लिम क़यादत की कमी को महसूस कर मोमिनपुरा के दानिशमंद लोग नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट कर एमएलए बनाने की ख्वाहिश किए हैं। मशवरती इजलास में पिछले 5 साल में पेश आए हालात पर गौर कर कहा गया, NRC लॉकडाउन, हिजाब हलाल कर झटका कट, अजान, अलंदरगा, लाउड स्पीकर और दीगर तमाम इशूज़ पर कनिज फातिमा नाकाम नजर आई हैं। तमाम बुजुर्ग नौजवानों ने कहा, 2 बार इलेक्शन में शिकस्त मिलने के बाद भी नासिर हुसैन उस्ताद हर इशू में मिली फिक्र लेकर बीजेपी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। सियासी समझ रखने वाले दानिशमंद लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर कहा, कनिज फातिमा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए गली गली अपने पार्टी का गारंटी कार्ड लेकर घूम रही हैं, पर इस बार गारंटी कार्ड की नहीं पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है। मरहूम खमरुल इस्लाम के नाम पर कनिज फातिमा को MLA बनाया गया था, इस बार वोट उसको दिया जाएगा जो बीजेपी से मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो। गुलबर्गा नॉर्थ के बुजुर्ग नौजवान इस बार कांग्रेस, JDS और दीगर पार्टीज को साइड में रख मजबूत क़यादत की फिक्र लेकर नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट का ऐलान किए हैं। मोमिनपुरा इलाके के अलावा शहर के दीगर इलाकों से भी लोग इस बार नासिर हुसैन उस्ताद की तायद कर रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कितना भी काम करे हम खमरुल इस्लाम के तो हम हैं, लेकिन आज हम उनके घर के अहलिया हैं, उनका भी अगर एहतराम करते हैं, लास्ट टाइम उनको भी वोट दिया हम, ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे। खमरुल इस्लाम के घर होने की वजह से गुलबर्गे का हर मुसलमान उनकी कदर करेगा, इज्जत देगा, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हम खमरुल इस्लाम को पैदा करना है, लीडरशिप पैदा करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे अगर लीडरशिप पैदा करना है तो क्या करना पड़ता है, देखो सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को भूलने की बीमारी दिया, लेकिन बात चीजें याद रखो, बात चीजें भूलने की नहीं होती। कांग्रेस ने हम मुसलमानों को जितने जख्म दिए हैं दूसरी कोई पार्टी ने दिए, बोलने वाले चले आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपनी क़यादत बनाना है। आने वाले हालात बहुत सख्त होने वाले हैं, बीजेपी के नजरिया, उनके प्लानिंग, क्या का मसला है, खतना का मसला है, 3 तलाक का मसला है, हमारी शरीयत से खेल खेल रहे हैं वो लोग, शरीयत से। अब हम कानून बने, और यकीन मानो हमारे लीडर तो 6-7 एमएलए हैं, वो तो कानून बने, हम क्या करेंगे, ये आंदोलन सामी उसकी हैसियत क्या, उसकी ताकत क्या है, एक मत का स्वामी है और रोजा के महदसी मस्जिद के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ते रहते, आपके घर हो, अब उसकी मुखालिफत में सबसे पहले कौन है, नासिर उस्ताद एक है और तुम्हारा जनसंगी वकील साहब, बोलो तुम, अब मुस्लिम लीडर में कौन कौन है। आने वाले इलेक्शन में हम उत्तर तौर पर एक हम ऐसे सियासी कायद को लाएंगे कि कल के रोड पर अगर कुछ होगा तो फौरन सबसे पहले पहुंचना। ये मुसलमान गुलबर्गे का हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। मैं बहुत बच्चा था, छोटा था, इब्तदाई दिनों में मोहम्मद अली साहब जीते, एक दौर ऐसा आया मोहम्मद अली साहब से भी नाराज हुए। जब भी मुसलमानों ने गुलबर्गे में इत्तेहाद का मुजाहरा करके मोहम्मद अली साहब जैसी शख्सियत कांग्रेस पार्टी उसको हरा के बता, उसके बाद फिर मोहम्मद अली साहब ने ठीक हो गए, उसके बाद फिर दोबारा मोहम्मद अली साहब जीते, फिर एक दौर ऐसा आया मोहम्मद अली साहब जो मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर होने का दावा कर रहे थे उनको हराया। जब ये नहीं सोचा कि जो है हमको मोहम्मद अली साहब को हराना है, वो है जो बहादुर है, जो दिलेर है, जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, हम हमेशा यही देखें, कभी पार्टी के पीछे नहीं गए हम, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना फला,
इस हिसाब से उस वक्त गुलबर्गा के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जीता है, कमल इस्लाम साहब को जीता है। हम हमेशा शख्सियत पे वोट दिए। क्या मजा होती कि कमल इस्लाम साहब के दौर में कोई पुलिस वाला आंख उठाकर देखे मुसलमानों को, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, ये याद है, ये जानते हैं। फिर उसके बाद दौर आया कांग्रेस का, दोबारा कांग्रेस को खमर साहब ने जिंदा किया। कांग्रेस हमारे घर की पार्टी नहीं है, हमें मारा गया रोडों पे लॉकडाउन में, मस्जिद आयशा के इमाम साहब को मारा गया, कुछ नहीं हुआ, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको सताया गया, कुछ नहीं हुआ, नौजवान बच्चों के हजारों मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया, कोई पूछने वाला नहीं। पिछले 5 साल मैं माफी चाहता हूं ये कहने पर मजबूर हूं, हम पिछले 5 साल हमारा एमएलए रहते हुए पर भी हम बिना एमएलए के थे, ऐसा था जैसा कि यहां से कोई जीत के नहीं गया। या बीजेपी का एमएलए जो मुसलमानों पर तवज्जो नहीं दिया। सिर्फ मेरी यही गुजारिश है, आपकी नजर में आज जो शख्स बहादुर है, जो बोल सकता है, जो असेंबली में आपकी आवाज बन सकता है, जो आपके रोडों पे आ सकता है, सड़क पे आ सकता है, जो हर लैंग्वेज पर उबूर रखता हो, ऐसा चुनिए। अगर जो कोई कांग्रेस में कोई है ऐसा मन रखने तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या सच कह रहा हूं मैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाकर कहिए कि जो हम ऐसे शख्स को इलेक्ट करेंगे, ऐसे शख्स को हम वोट देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सीट मुसलमान सीट को बचाना चाहिए, यह है। आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बात चल रही है ना, हमारी मुस्लिम सीट है इसको बचाना चाहिए, ये बात चलती है नहीं? आप जवाब दीजिए मुझे, चलती है ना? हमारी सीट किसको बोलेंगे? हमारी बात करने वाले को बोलेंगे या अपनी जवाब की बात सुनने वाले को हमारी सीट बोलेंगे? हमारी बात सुनने वाले को बोलेंगे ना? हमारी बात कोई सुनता है? अगर है तो बोले, 3 तलाक पर बोलकर बताए ये मुसलमान के साथ गलत हुआ है, ये लड़का आप गलत किस्म की बात उठा रहे हैं, बोले ये खतरा के बारे में बोल रही है, दोकशी के बारे में बोल रहे, बिना वजह के वॉल्विंग सिंह हो रही है, हिजाब के बारे में बोलिए। अरे नहीं, वो कोर्ट में चल रहा मामला, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते साहब? वोट किसके लिए तुम? वोट हमारे लिए ना, हमारे नुमाइंदा ये करना चाहिए नहीं आपको? तो मतलब क्या हुआ? मुसलमानों का कैंडिडेट नहीं तो वार्ड नंबर 22 के जो हम पूरे लोग फिक्रमंद होकर एक मीटिंग जो है ना इजलास को बुलाया गया था सोयल फंक्शन हॉल में कि बेचैनी पाई जा रही थी हमारे कौम में, तो हम ये बुलाकर एक मशवरा इजलास लिया गया है, तो तमाम जो है ना हमारे बताया गया है कि भाई मुत्तफिक होकर एक मजबूत क़यादत को लाना चाहिए, तो लिहाजा वो मजबूत क़यादत तो तमाम लोग को नज़र आ रही है। मजबूत क़यादत तमाम आवाम खुद जान सकती है कि वो क़यादत कौन है। मेरी नज़र में तो नासिर उस्ताद है, और कई लोग भी जो है ना नासिर उस्ताद की क़यादत को कबूल कर रहे हैं। बस हम अपील करता हूँ और एक बार हम मोमिनपुर वाले जो वार्ड नंबर 22 वाले मुत्तफिक होकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ जाने का आज फैसला लिए हैं। ऐसी हर वार्ड वाला अगर ऐसा फैसला लेता है तो मुत्तफिक एक मजबूत क़यादत जो है ना कमरुल इस्लाम जैसी क़यादत फिर से हमारे पास मौजूद हो सकती है 2023 में। हम हमारे महल्ले में तमाम लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की है और उसमें आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक राय से नासिर हुसैन उस्ताद को वोट देने का तय किया है इस बार, क्योंकि हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे हम लोग, और मैडम बराबर काम नहीं कर रहे अब, और उन्होंने खुद अपने घर का काम नहीं कर सक रहे, तो हमारा काम क्या कर सकते हैं? अभी हम 5 साल पूरा उनको देखे हैं, इसलिए हम ये पूरे हमारे महल्ले वाले ये तय किए हैं कि हम नासिर उस्ताद को वोट देंगे। मैं यहाँ का साबिका कारपोरेटर हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ 2018 में हमने मीडियम का ही काम किया, तमाम महल्ले के इत्तेफाक से राय से, लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है कि मीडियम कभी खड़े नहीं होते। हम आज ये जो मीटिंग लेना ये तय पाया है कि आने वाला इलेक्शन किसकी क़यादत इसके लिए काम करेंगे, वो है नासिर उस्ताद साहब। हम उनके आज तमाम महल्ले वाले का भी यही सपोर्ट है, हर हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी जिससे भी मशवरा कर रहे हैं,
तो लोग ये कह रहे थे कि नौजवान की क़यादत चाहिए, इसलिए कि वो काबिल हैं, पढ़ा लिखे हैं, हर वक्त में आगे आगे रहे, ये तो आवाम जानती है बाखूबी। अब ये फैसला आवाम के हाथ में है, एक अच्छा ख्याल तो जिताइए, यही मेरी लोगों से अपील है, गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। आप एक सियासी लीडर हैं, सबका कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं जी, आप 2018 से लेकर 2023 तक जो हालात सामने आए हैं जी, इसको किस तरह से आप देखे हैं? मैडम तो ये दावा कर रहे हैं कि जो भी मसला सामने आया है उस पर वो खड़े उतरे हैं, मजबूती से काम करे हैं, ये NRC का मसला हो, हिजाब का मसला हो, हलाल कट का मसला हो, हर इशू पे मैडम ये दावा कर रहे हैं कि वो मजबूती से काम करे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखें? नहीं नहीं, मैं हम जहाँ तक देखें कि वो नासिर उस्ताद हर 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 काम में पहल की है, जैसे अलन का मसला हो, NRC का मसला हो, झटका हो, हलाल हो, अजान का मसला हो, ये नासिर साहब पहल के है, सारा शहर देखा है और बाकी बच्चा बच्चा जानता है। नासिर उस्ताद ने जो आगे बढ़ MLA नए होने के बावजूद भी आप MLA का हक अदा किए हो, इंशाल्लाह मैं और एक बार अपील करता हूँ कि अच्छी क़यादत को इंतखाब करें, एक नौजवान को पढ़ा लिखा है, काबिल है, अहमियत देते हैं, इज्जत देते हैं, कन्नड़ से वाकिफ़ हैं, 5-6 जबान से वाकिफ़ हैं, असेंबली में कन्नड़ जबान जानने वाला ज़रूरी है। आज मोमिनपुरा खारी बोली पे एक प्रोग्राम तय पाया था, उसके अंदर मुआज़्ज़िज़ लोग आए हुए थे, हमारे अलीमुद्दीन साहब, कामरेड वगैरह। एक मशवरा कमेटी के आने वाले इलेक्शन के लिए एक मशवरा किया गया कि अब आने वाले वक्त में एक नौजवान को हम लोग तय करेंगे, फिर जो है ना और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि भाई आने वाले इलेक्शन में एक ऐसा जवान नौजवान आदमी हो जो कौम के लिए काम करे और बेलौस काम करे, वैसा शख्स। और कोई पार्टी से हम मंसूब नहीं है, पहली बात तो आने वाले हालात को देख के ये हम लोग मशवरा किए आज, और बहुत सक्सेस कामयाब मशवरा कामयाब प्रोग्राम हो गया है यहाँ का। इंशाअल्लाह मैं नौजवान लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है ना वो लोग भी कुछ सोचें, एनालाइज करें कि भाई आने वाले वक्त में जो है ना हम किसको लाएं, और लाना तो ऐसे शख्स को चाहिए जो हमारे हर अच्छे बुरे में आए और बेलोस आए, बस यही है जो है ना हमारी अरमान है, हमारी ख्वाहिश है। तो पास्ट बोल के फ़ायदा तो नहीं है कुछ भी, जो गुजर गया गुजरा, ना झोपड़ी ना मकान, क्योंकि जो है ना वो भी औरत को जो है ना ज़बरदस्ती लाए गए थे और उनके रिश्तेदारी जो है ना फोर्स करे थे, लाए थे उन्होंने, तो हम तो पूरे 45 साल के हो गए उनको कभी देखे नहीं, आइन जो है ना ये लास्ट इलेक्शन में तो जो है ना हम देख पाए। खैर वो हो गया सो हो गया, अब आगे तो हम ले सकते ना, और मैं कोई पार्टी से मंसूब नहीं हूँ, पहली बात ये बता दूँ। हमको अच्छे खैर की ज़रूरत था इसको, पहले जो भी हुआ हो गया, वो 5 साल तो ऐसे चले गए, वो इंशाल्लाह जो है फिर एक अच्छा खैर आएगा। 5 साल पहले वोट करे थे तो क्या सोच, क्या दिमाग में था वोट करते टाइम पे? एक इत्तेफाक था हमारा उस वक्त, वो हम उसको तवज्जो नहीं दिए, कमरुल इस्लाम साहब के इसमें जो है हम दे दिए वो वोट, एक जज्बा था वो मुस्लिम वोट लाना बोल के, ऐसा कोई फिर उसके बाद समझ के बाद कोई ऐसा कायद नहीं है यहाँ पे, हम हमारा इरादा कुछ और है इंशाल्लाह। क्या नज़र आई आपको 5 साल में? 5 साल में बहुत से खामियाँ हैं उसकी, अलम के दरगाह का और महबस मस्जिद का, लॉकडाउन में बहुत सताया गया मुसलमानों पे, जाकिर मौलाना को मार दिए, बहुत से जो है मुसलमानों को सताया गया, इसलिए हम जो है एक अच्छे कायद को ढूंढने की ज़रूरत है, कोई आवाज़ नहीं उठाया उसके बाद, हमारे हम लोग बहुत डर गए इसके लिए। इंशाल्लाह देखेंगे अब सब मुत्तफिक होके तो हम उसके एक अच्छा कायद जो है चुन लेंगे। मोहतरमा कुछ काम नहीं करे, खाली वोट लेके जो है बैठ गया। तकरीबन हमारे वार्ड नंबर 22 के लोग जमा हुए थे, जिसमें बहुत बड़ा ताउन अशफाक बेग का रहा है, लेकिन इस बात की जो है ज़मानत मिल रही है यहाँ कि क़यादत की तब्दीली चाहिए, इसमें कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि मैडम ने काम नहीं किया है, लेकिन अब उसका अजाला फिलहाल अब जब मीटिंग हुई है, मीटिंग में तो क़यादत की तब्दीली मालूम हो रही है खुद ब खुद, अब और दो मीटिंग होंगी और अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, सीटिंग होंगी, हमारे पास जिम्मेदार लोग हैं बहुत, एक कमेटी है हमारे पास, एक कमेटी फॉर्म दी गई है, तो कमेटी के तहत वो जब डिसीजन होगा हम उसी को देंगे। फिलहाल तब्दीली की तो बात चल रही है, तब्दीली की यहाँ इतनी पूरे गुलबगे में चल रही है, मगर फिलहाल अब जो अवेयरनेस आया है हमारे वार्ड नंबर 22 में, और हमारे पास जो एक मुस्लिम फॉर्म बना है, रजिस्टर्ड फॉर्म है, जिसकी सरपंच 26 सेठ मानियाल हैं, सलाउद्दीन साहब गुतरा सदर हैं, उसमें हम भी मेम्बर हैं इसके, ये लोग मुत्तफ़ा तौर पे जो भी फैसला करेंगे
हम उसको कबूल कर लेंगे।